वहीं झज्जर के पटौदा गांव में शहीदी दिवस पर शहीदों के सम्मान में महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की और शहीदी दिवस समारोह में एक बार फिर अहीर रेजिमेंट की मांग उठी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने मंत्रियों और सांसदों के समर्थन के लिए आभार भी जताया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि किसानों से बात कर समस्या का हल निकाला जाएगा, इसके लिए पार्टी के सामने बात रखेंगे। पटवाना हूं, शाम को हो शम्मा तो हो, पटवाना हूं शाम को हो शम्मा तो हो, चलने के लिए हूं तैयार, कुछ बात तो हो। आप लोगों का आज इतना भारी समूह देकर के एक चीज और कहना चाहता हूं, जो हिंदी बोर्ड ने कही, एंटी बॉर्डर इसकी गाड़ी भी चलती है, मर गया बेचारा अमरीकन था, उन्होंने कहा था कि जब लोग इकट्ठे होते हैं वो शुरुआत होती है, वो शुरुआत आज आपने कर दी। कितने ज्यादा तादाद के अंदर इकट्ठे हो गए कि आधे से ज्यादा तो वहां रोड से ही उल्टे हो गए, अभी कौन गाड़ी चलेगा 5-6 किलोमीटर, रोड से वापस हो गए, बैठ कर देखिए। तो कहते हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो शुरुआत होती है, जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो तरक्की होती है, प्रोग्रेस, और जब लोग इकट्ठे काम करते हैं तो कामयाबी होती है। मेरे दुश्मन के बारे में भी कुछ कहना, अगर अपनी जिंदगी में कोई दुश्मनी नहीं बना पाया तो क्या, मैं अपने दुश्मन को धन्यवाद करना चाहता हूं, सार्वजनिक तौर के ऊपर, कि मैं सोच रहा था कभी 70 साल का हो गया, 13-40 साल जरूर सेवा करनी, कुछ लोगों ने मानी पार्टी ने नहीं मानी, कुछ अपनी कही कुछ नहीं मानी गई, बहुत बड़ी अंदाज होगी लोग सोच लो, लेकिन मेरे को तो चौके देख से इंद्रजीत सिंह तो रिटायर होने वाला है, रगड़ तो रॉन्ग दो इसमें, और मैं अपना मन कि भूलभुल फक रिटायर हूं या ना रिटायर हूं पक्का मैं रिटायर नहीं हूं, 5 बार एमपी बना, 4 बार एमएलए बना, हरियाणा में कोई और नहीं बना अभी तक। अगर मैं गलत होता तो मेरे को बार बार लोग छूते, और आज आपको मैं यू कहना चाहता हूं कि 40 साल मेरे को हो गए राजनीति, 40 साल मेरे बाप को हो गए थे राजनीति के अंदर, उससे पहले उनके बाप को हो गए थे, बार बार हमको क्यों चुनना आ रहे चल रहे हैं, एक ही कारण है कि हम जनता की आवाज उठाते। 1857 के अंदर